हेलो दोस्तों, आज के हमारी इस क्लास में बात कर रहे हैं वीवी मैक्रो कुछ ट्रिक्स पे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मेरे सामने एक डेटा है, मुझे इस डेटा के ऊपर चार्ट बनाना है। अगर चार्ट नेम बाय जॉब है तो इसको आप सिंपली नेम बाय तो चार्ट लगा ही सकते हैं कि आप यहाँ पे गए और यहीं पे आपने कर दिया, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे हम, या फिर यूनिक का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे नेम, यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। यूनिक फॉर्मूला से क्या हुआ, सारे नेम यूनिक आएंगे, लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे आप फिर सेल्स के लिए आप क्या करेंगे, समीफ लगा देंगे। समीफ समीफ इसको सेलेक्ट किया और आपने इसके अंदर इसको सर्च करके इसका टोटल निकाल लिया। अब इसके ऊपर आप आसानी से जो चार्ट बनाना चाहते हो चार्ट बना सकते हैं सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपके डेटा कम है तो नेम बाय चार्ट में इजीली बना सकता हूं। बट व्हाट अबाउट डेट, डेट बाय चार्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर हमने चार्ट बनाया, तो लाइन चार्ट की ही बात कर लेते हैं, लाइन चार्ट बनाया तो चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 जनवरी से लेके सीधे 1 दिसंबर ऑटोमेटिक मंथली आ गया, डेट वाइज नहीं आएगा ये। और डेट वाइज आएगा तो 365 दिन का डिफरेंस निकालना बड़ी मुश्किल होगी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको डेट बाई अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, अपने हिसाब से डेट बाई बनाना चाहता हूँ, क्या करें? तो दो चीज इसमें हम दो काम कर सकते हैं, एक स्क्रॉलिंग भी ले सकते हैं और स्टार्ट और एंड भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, यहाँ पे सेल्स, अब यहाँ पे मैन्युअली मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला ऑफसेट, इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा, रो नंबर ये दे दिए कॉमा, क्लियर कर दिया। इसमें रो नंबर 1 नहीं, मुझे A1 नहीं B1 करना चाहिए था। डेट आ गए, फिर इसको वापस हमने कॉपी किया, बी के जगह पे सी कर देता हूँ, तो इसको हम डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। B1 को फ्रीज कर देते हैं, F2 को फ्रीज कर देते हैं। नहीं, F2 को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे इसमें प्लस चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्लस रो और इसमें से -3 कर देता हूँ, 3, 4 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे, मुझे एक बार में कितने चार्ट को देखने हैं। तो मान लीजिए मैं एक बार में 1 महीने का चार्ट देखना चाहता हूँ, तो हमने 1 महीने का यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, या 10 दिन का देखना चाहता हूँ तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिएगा, कर लिया हमने। और फिर इसके अंदर भी हम सेम इसी हिसाब से हमने जो यहाँ लिया हुआ है ना सर, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम कॉलम नंबर को 1 कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर आ गया। सो वी हैव द डेटा। अब मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 जनवरी से 1 फरवरी, 3 कर दिया तो इसी हिसाब से ये आगे मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, चार्ट किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने वीवीए का यूज तो किया ही नहीं, अब करेंगे। वीवी ऑटोमेशन पे आता है, अब ऑटोमेशन की जरूरत अब पड़ रही है यहाँ पे। यार तो हम बात कर रहे हैं स्क्रॉलिंग के लिए, तो हम जाएंगे यहाँ डेवलपर टैब में इंसर्ट, और नीचे देखिए ये रहा स्क्रॉल बार, हम यहां से स्क्रॉल बार डिजाइन कर, इस पे राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट कंट्रोल में यहां हम दे देते हैं मिनिमम वैल्यू 1, यहां दे देते हैं मिनिमम वैल्यू 3, 6, 5,
और सेल लिंक में जो वन था उस वन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारा चार्ट बन रहा है, देखिए इस तरह से। एक प्रॉब्लम है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे इस तरह से नहीं करना, एक बार अपने आप मुझे साल भर का दिखा दे। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम ये स्पाइन बटन, टुल्लक बटन जो दिख रहा है, टुल्लक बटन जो कि VVA का कंसेप्ट आता है। और इस पे इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसका राइट क्लिक कर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहां से हम प्ले का बटन दे देते हैं। प्ले करने के बाद हम इस पे राइट डबल क्लिक करते हैं, चले जाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में ये हमारा क्या है, F2 राइट। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जांच लीजिएगा टुल्लक बटन की वैल्यू जो होती है ट्रू, क्लिक हुआ था ट्रू अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं सिंपल सा टी इक्वल टू मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट वैल। अब यहां पे देखते हैं कि इफ टी टी अगर ट्रू, ऑटोमेटिक ट्रू ही होता है तो इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं है, तो मी डॉट टुल्लक बटन, अच्छा इसमें मी नहीं होगा माफ कीजिएगा, मी एक्टिव सिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, टुल्लक बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू स्टॉप। फिर एल्स में हम कर देते हैं else हमने कर दिया, ये रहा। और यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत मजेदार वीडियो बनने बन रहा है। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे फोर i इक्वल टू चले रेंज ए 65 ए नहीं यहाँ पे एफ, हाँ एफ टू डॉट वैल्यू टू, तो इसमें 365 माइनस 31 ऑलरेडी दिख रहा है, इसे 31 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख भी सकते हैं लेकिन मैंने समझाना होता है, तो फिर ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा लास्ट में, इसलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट आई, और हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है रेंज एफ टू, बहुत ही सिंपल कोड है, वैल्यू इक्वल टू आई, और इसमें हमें डू इवेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हैंग हो जाएगा आपका। टू इवेंट्स एस लगता है इसमें, एस डू इवेंट्स, और यहां भी हम डू इवेंट्स दे देते हैं। यहाँ पे दो तीन बार दे दीजिए क्योंकि थोड़ा स्लो ही हो, स्लो हो जाएगा ठीक रहेगा, और यहां भी आप दो तीन बार दे दीजिए। अब ये यहाँ बटन हमारा चलेगा लेकिन इसके लिए डिजाइन मोड को यहां से हटाना पड़ेगा, हमने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, इसमें हमने एंड इफ नेक्स्ट आई फोर आई इफ, सिर्फ एंड है यहाँ पे, एंड इफ नहीं, छोटी सी गलती हो गई थी। अब देखिए अब इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, हमने एक मिनट स्टॉप करते यहां से मैक्रो को, एल्स यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा कि इफ यहाँ पे इफ t इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सो उल्टा कंडीशन हो गई, स्टॉप करते हैं यहाँ पे ट्रू। अब यहां पे परफेक्टली वर्क करेगा।
वन बाई वन ए चल रहा है, कब तक चलेगा? 365। ए 365 तक आराम से चलेगा। 30 दिसंबर आ गया। अब इसमें रीसेट का बटन और बाकी चीजें भी हैं, लगाया जा सकता है। अब इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं और कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।